हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय, आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा और तापमान के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने पर अधोबिंद होता है, सेल्सियस पैमाने पर अधोबिंद होता है, बर्फ़ का हिमांक, जल का क्वथनांक, परम शून्य ताप, 100 डिग्री। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बर्फ़ का हिमांक। सेल्सियस पैमाने पर अधो बिंदु बर्फ़ का हिमांक होता है, या बर्फ़ का हिमांक सेल्सियस पैमाने का अधो बिंदु होता है। अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के तापों में अंतर 51 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर यह अंतर कितना होगा? अगर दो वस्तुओं के तापों पर अंतर 51 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पैमाने पर यह अंतर कितना होगा? ऑप्शन ए है -51, बी है 51, सी है 102 और डी है 273। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 51। दो वस्तुओं के तापों में अंतर 51 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पैमाने पर यह अंतर 51 होगा, 51 होगा। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप है 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस या -273 डिग्री सेल्सियस। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 200 -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप है। और गाइज, एक चीज़ और है कि जो परम शून्य ताप होता है इससे नीचे कोई ताप और नहीं होता है। तो परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक होता है 0 केल्विन, 100 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 273 केल्विन। केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक 273 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, एसआई प्रणाली में ताप का मात्रक है 0 डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट, केल्विन, नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, केल्विन। एसआई प्रणाली में ताप का मात्रक केल्विन है। अगला प्रश्न है, डॉक्टरी थर्मामीटर में चिन्ह अंकित होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से, 100 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री फॉरेनहाइट से, 110 डिग्री फॉरेनहाइट, 273 केल्विन से, 373 केल्विन या डी, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 95 डिग्री से 110 डिग्री फॉरेनहाइट डॉक्टरी थर्मामीटर पे चिन्ह अंकित होता है 95 डिग्री फॉरेनहाइट से 110 डिग्री फॉरेनहाइट। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, जो एक हेल्थी ह्यूमन होता है उसके शरीर का जो टेम्परेचर होता है, जो ताप होता है, वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, 98.6 डिग्री सेल्सियस, 98.6 केल्विन, नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 98.6 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस। गाइज, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री फॉरेनहाइट में तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, लेकिन यह डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप डिग्री सेल्सियस में अगर मापना है तो वह कितना होता है अगर हम उसको सेल्सियस पैमाने पर मापते हैं? आगे देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर एट, किस तापमान स्केल पर ऋणात्मक ताप संभव नहीं है? केल्विन पैमाना, फॉरेनहाइट पैमाना, सेल्सियस पैमाना। तो केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक ताप संभव नहीं है। क्वेश्चन एट का ऑप्शन ए करेक्ट है, केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक ताप संभव नहीं है। और एक चीज़, जो तापमान पैमाने हैं वो 3 होते हैं, केल्विन पैमाना, फॉरेनहाइट पैमाना, सेल्सियस पैमाना, केल्विन स्केल, फॉरेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, थर्मामीटर में प्रायः कौन सा
द्रव उपयोग में लाया जाता है। थर्मामीटर में प्रायः कौन सा द्रव उपयोग में लाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सभी। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सभी थर्मामीटर में के द्रव में प्रयोग में लाए जाते हैं। गाइज, जो टॉपिक ना क्लियर हुआ हो, जिसके एमसीक्यू आपको चाहिए, उसको प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिए, ताकि हम उसका वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर सकें। बाकी आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज़।